आज हम बनाएंगे बोनलेस चिकन हांडी। ये बोनलेस चिकन हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। बहुत ही कम टाइम में ये जल्दी से बन जाती है घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट्स से। ये शहरी के लिए भी बहुत आइडियल रेसिपी है। तो इस मजेदार सी रेसिपी को हम पराठों के साथ शहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल ले लिया था 2 से 3 टेबलस्पून। ऑयल में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का। इसको ऑयल में हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक को हमने ज्यादा फ्राई नहीं करना, ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। इनको इतना ही फ्राई करना है कि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई करने के बाद हमने इसमें बोनलेस चिकन शामिल कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 700 ग्राम चिकन लिया है, साथ ही हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि इक्वल साइड से हमारा चिकन पक जाए। चिकन को हमने तब तक पकाना है जब तक ये टोटली वाइट ना हो जाए। तो यहाँ पे चिकन को पकाते हुए हमें 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज चॉप किए हुए डाल देने हैं। उनको भी चिकन के साथ अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पर हमने प्याजों का भी सिर्फ कच्चापन खत्म करना है, इनको कलर नहीं देना। प्याज शामिल करने से हांडी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है। प्याज को फ्राई करते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें 2 टमाटरों की प्यूरी बना के डाल देनी है। तो मैंने यहाँ पर फ्रोजन टमाटर लिए थे, आप चाहें तो फ्रेश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास अभी यही अवेलेबल थे तो मैंने यूज कर ली। आपके पास जो अवेलेबल हो आप यूज कर लीजिए। चिकन और प्याज के साथ हमने टमाटर को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून जीरा शामिल कर देना है। जीरा शामिल करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने हल्दी शामिल कर देनी है 1 टीस्पून। उसके बाद हमने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया शामिल कर देना है। सूखा धनिया डालने से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और टेस्ट भी लाजवाब बनता है। जब अच्छे से मसालों को हमने फ्राई कर लेना है चिकन के साथ, उसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देना है। साथ ही हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देना है 1 टीस्पून भरकर। तो ये मसाले डालने के बाद भी हमने चिकन को अच्छे से भून लेना है। चिकन को हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया था और उसमें कच्चापन काफी रहता है। हमने इस हांडी को मीडियम टू हाई फ्लेम पे बनाया है, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती है। तो चिकन का अच्छे से भुना होना काफी जरूरी है ताकि चिकन का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो सके। अब इस स्टेप पे हमने चिकन में थोड़ी सी दही ऐड कर लेनी है। यहाँ पर मैंने 1/2 कप दही ऐड किया है। तो दही शामिल करते वक्त हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है क्योंकि हाई फ्लेम में दही में लम्प्स बन सकते हैं। दही शामिल करने से पहले हमने अच्छे से दही को फेंट लेना है, फिर ही हमने ग्रेवी में शामिल करना है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इस मसाले को अच्छे से पका लेना है। अब हमने इस ग्रेवी में 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। काली मिर्च का टेस्ट और उसकी खुशबू इस हांडी को 4 चांद लगा देगी। तो अच्छे से मसाले को भूनने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सब मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर 200 ml पानी ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने इसको हाई फ्लेम पर कुक कर लेना है। हमने चिकन को 10 से 12 मिनट के लिए अब पका लेना है ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए और साथ ही इसका पानी भी ड्राई हो जाए। हमने लिया था बोनलेस चिकन तो हमें उसको पकाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी कुक हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चों को दरमियान में से स्लिट करके इसमें शामिल कर दिया था। अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब क्रीम शामिल की है। मैंने यहाँ पर टेट्रा पैक की क्रीम इस्तेमाल की है, आप चाहें तो क्रीम चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टेप ऑप्शनल है लेकिन इसको डालने से हांडी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे क्रीमी चिकन बना रहे हैं तो क्रीम डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे इसको अदरक से हमने गार्निश कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे अदरक को बारीक बारीक काट लिया था और लास्ट में हमने हरा धनिया शामिल कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया था 1 कप। हरा धनिया शामिल करने से हांडी की लुक भी बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे हमारी मजेदार सी मक्खनी हांडी तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनी हुई। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, कितनी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है, एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हुई है। बिल्कुल परफेक्ट कलर, शाइन और टेक्सचर आया है, बिल्कुल बाजार जैसी हांडी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए हम अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो हमारा क्रीमी सा डिलीशियस सा चिकन बनकर तैयार है, ये बहुत ही टेस्टी बना है।
आप इसको एक बार जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको रोटी, कुलचे, नान या बटर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।